करीब 11 साल पहले एक ऐसी कंपनी भारत में लॉन्च हुई दैट फॉर द फर्स्ट टाइम चेंज द वे नेशन ट्रैवल्ड। MakeMyTrip.com founded by Deep Kalra एक ऐसी वेबसाइट बनी जिसने रियल टाइम फ्लाइट बुकिंग्स को एक आम आदमी के लिए आसान करा। With time, the website evolved as a full service travel portal और कंपनी ने अपनी दूसरी services जैसे होटल reservations, holiday package bookings, रेल और बस की bookings को भी मार्केट में उतारा। MakeMyTrip has now shifted its focus on the mobile as a marketing medium and hotel reservations category. The travel company will continue to invest in various travel startups while Youngistan is its clear target audience. Hi guys, welcome to DB Spotlight. आज मैं बात करने वाली हूँ मोहित गुप्ता से जो कि हैं COO MakeMyTrip के। Welcome to DB Spotlight मोहित। Thank you so much. Year 2000 में MakeMyTrip ने अपना लॉन्च कर दिया और आगाज हुआ MakeMyTrip का एक ऐसी कंपनी जो कि पायनियर रही है। 16 साल की जर्नी किस तरह से रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है प्रीति। द फर्स्ट 3-4 ईयर्स वर रियली रियली टेस्टिंग। लॉन्च वॉज वेरी एग्जूबरेंट। वी वर वेरी क्विक टू रेज फंड्स एंड पुट टुगेदर वेरी गुड टीम, बट देन वेरी क्विकली वी रन इनटू अ लॉट ऑफ रफ वेदर। .com बस्ट हुआ, 9/11 हुआ और इन सब चीज़ों के चलते हमारी फंडिंग भी पुल हो गई। तो बेसिकली कंपनी शुरू करते ही SARS, 9/11, .com बस, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से शायद ये कंपनी बंद हो सकती थी। आई वुड गिव क्रेडिट टू दीप एंड टू हिज विजन एंड द को फाउंडर्स हु वर विद हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड द कोर टीम हु एक्चुअली बिलीव्ड इन द आइडिया एंड स्टक अराउंड। 2005 की बात है जब हिंदुस्तान में MakeMyTrip ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे। क्यों आपको लगा कि एक MakeMyTrip जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो हिट हो गया? इसका बराबर श्रेय जाता है उस टाइम के इकोसिस्टम के बाकी प्लेयर्स को भी, IRCTC, डेक्कन, हमारे सप्लायर्स। आई थिंक दे वर आल्सो विजनरीज एंड पायनियर्स एंड दे ओपनड अप द ऑनलाइन मार्केट, दे गॉट कस्टमर्स ऑनलाइन इन द फर्स्ट प्लेस। हम लोगों ने भी वी वर्क वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट वी ब्रिंग अ ग्रेट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, अ ग्रेट यूजर इंटरफेस एंड अ ग्रेट promise of trust and you know price guarantee, transparency to consumers, which was pretty much a first of its kind in India. Exactly. And Indian consumers, मैं आपसे बताऊँ प्रीति, तो बहुत जल्दी adopt करते हैं। हमें लगता है कि Indian consumers followers होते हैं। वही पूछना चाह रही थी कि हिंदुस्तान में एकदम से एक नया idea इतना successful just because it was first of its kind और एक pioneer कोशिश थी एक category में जो कि पहले हिंदुस्तान के लोगों ने पहले नहीं देखा था, सोचा था या जाना था, तो किस तरह से फिर क्या ये उनके लिए एकदम से एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज़ मार्केट में थी कि उस उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया? मतलब हाउ वाज दैट पॉसिबल? तो एक्चुअली प्रीति, उससे पहले भी यू नो इवन बिटवीन 2000 एंड 2005 अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू नो देयर वाज इंडिया टाइम्स ट्रैवल, देयर वाज ट्रैवल जीनी, राइट, और बहुत सारे लोगों ने सहारा एक एयरलाइन होती थी, उसकी एक रिवर्स ऑप्शन चलती थी, आप लोग रोज बिड कर सकते थे। अगर आपकी बिड जीत जाती थी तो आपको 2000 रुपये में टिकट मिल जाती थी। उस टाइप की बहुत सारी इंटरेस्टिंग मॉडल्स ऑनलाइन ट्राई किए गए, लेकिन एक ट्रू ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जो कस्टमर की लेटेंट नीड को सॉल्व कर सके, और वो दो नीड्स थी, एक थी टू कंपेयर प्राइसेस, दूसरी थी ट्रांसपेरेंसी। और ये दोनों नीड्स को आई थिंक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स MakeMyTrip स्पेसिफिकली सॉल्वड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना जो काम था वो तो एक्चुअली आपके आने से पहले से हुआ था। हाँ जी, हाँ। 2008 से पहले। तो आप 2008 में आए, तो किस तरह का चेंजेस अब आप देखते हैं? आपको किस तरह की दिक्कतें उस वक्त आपने देखी और अब तब में और अब में कितना फ़र्क है? उस पर भी बहुत फ़र्क है। आई थिंक यू नो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, डिजिटल इकोसिस्टम, जिसके अंदर हर साल 5 साल की तरह होता है, हर क्वार्टर 1 साल की तरह होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है। जब मैं आया तो काफ़ी सारे मार्केट वॉज, द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी हॉट, देर वॉज अ लॉट ऑफ कैशबैक्स गोइंग ऑन, यू नो वी वर मार्केट लीडर्स, बट यू नो इट यूज टू बी वेरी क्लोज रेस विद यात्रा ऑन इन होटल्स। ट्रैवल गुरु, विच वॉज एन ओनली होटल प्लेटफॉर्म, वॉज एक्चुअली यू नो चैलेंजिंग अस ऑल द टाइम। दो चैलेंजेस थे मेरे सामने। एक ये था कि मैं खुद 10 साल पेप्सी में काम करके आया था, यू नो आई वाज यूज्ड टू सेल डूइंग लार्ज फॉर्मेट एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटीज, पुल बेस्ड मार्केटिंग, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल प्रोडक्ट, ग्लोबल ब्रांड, और यहाँ पे सर्विसेज थी, इंडियन कंपनी थी, इंडियन ब्रांड था, लार्जली ऑनलाइन मार्केटिंग थी। दूसरा चैलेंज ये था कि ऑलमोस्ट एज सून एज आई केम इन टू द कंपनी एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर यू नो ऑन वन साइड स्केलिंग
customer acquisition and brand building. On the other side, bringing a lot of cost efficiency, because that was very important. We are actually, at the end of the day, an intermediary, और हम लोगों के लिए as a go-between अपनी cost को control करना बहुत important है, because जब हम low cost होंगे तभी हम best deals दे पाएंगे. September 2008 happened and the big financial meltdown happened. True. And nobody knew what was going to happen, right? Was it going to be another Broadcom bust like event? You know, what would happen for the longest time after that, next couple of years, funding dried up. People were worried about markets will shrink, disposable spends will go down. So, उस टाइम पे जब इतना कुछ हो रहा था और आप कह रहे थे कि इकोनॉमी भी डाउनफॉल पे ही थी, एक तरह से नीचे ही जा रही थी, तब भी आपने एक ऐसा डिसीजन लिया कि यू लेफ्ट अ कॉर्पोरेट, अ बिग ब्रांड नेम लाइक पेप्सी एंड यू केम टू मेक माई ट्रिप? या आई मीन आई थिंक द क्लाउड्स ऑफ दैट फोर्थकमिंग फाइनेंशियल यू नो मेल्टडाउन वर देयर. फॉर मी इट वॉज अ मोर पर्सनल डिसीजन. यू नो आई वॉन्टेड, I had a bunch of friends who were entrepreneurs and who were sort of beginning to dabble with the digital economy. Huh. Or I used to look at them and itch. And I felt like, you know, if I stayed back in the old world company, I'll grow old much faster. So I wanted to sort of learn faster, learn more, try my hands at new things. Okay, so coming to your competition, जो कि आजकल बड़ा hot topic है when it comes to make my trip, Oyo, StayZilla, जितने भी नए players हैं, तो किस तरह का competition आप देखते हैं Oyos of the world से, जो कि अभी startups हैं और disrupt कर रहे हैं market को? So I think overall हमारी industry के लिए बहुत ही positive last 15-18 महीने, 2 साल रहे हैं, because I think किसी भी industry को ग्रो करने के लिए और नई मार्केट्स को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो देर आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ अटैक ऑन दैट मार्केट, राइट? ओनली देन पेनिट्रेशन हैपन. एक्चुअली अगर आप देखें ऑनलाइन होटल्स, तो वीव हैड ऑनलाइन होटल्स एज अ सर्विस फॉर 8 ईयर्स, बट उसकी अडॉप्शन, कस्टमर अडॉप्शन बहुत लो थी. पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने एक हॉकी स्टिक देखी है उसके अंदर. एंड आई थिंक द लाइक आई सेड अर्लियर, यू नो द sort of you know the credit for that goes to as much to us as to our competitors. Right, so it's great to actually have competitors who are thinking fresh, who are thinking differently, who are trying out a bunch of different things focused on customers, you know, solving the needs of customers. Budget hotels, for example, yeah. I think is a very, very interesting category. Nobody has really thought so far of solving that problem for exactly. Indian budget customers. And in some ways, you know, we have, you know, Oyo, Zoho, a bunch of these people were the first to market to try and solve that market. But we took notice of that and then we went, talked to those customers, talked to those suppliers and had our own take on that. पर आपको लगता है make my trip late हो गई उसको उस problem को solve करने के लिए? अगर वो आप problem पहले identify करते, तो you would have been the first so player. No doubt about that, Preeti. Absolutely no doubt about that. I think we have to give credit where it's due. Obviously, these people read the problem first, and obviously they applied themselves to the problem first. But मुझे ऐसा लगता है अगर आप देखें कि you know iPhone wasn't the first touch phone, right? And a bunch of other such things, right? तो एक चीज़ होती है कि प्रॉब्लम को फर्स्ट डिस्कवर करना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और एक चीज़ होती है किसी प्रॉब्लम को रियली ट्रूली वर्ल्ड क्लास लेवल पे सॉल्व करना. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लेट ज़रूर हुए, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को वर्ल्ड क्लास लेवल पे सॉल्व करेंगे. आपको लगता है ओयो और ये सब जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल पे अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी? नहीं, मुझे लगता है कि एफर्ट काफ़ी अच्छा किया और इम्प्रूव कर रहे हैं वो लोग, लेकिन क्लियरली द रीज़न जो कि हमने लास्ट अक्टूबर में ओयो और बाकी लोगों की इन्वेंट्रीज, ऑलमोस्ट 80% ऑफ प्लेयर्स की इन्वेंट्री बेचनी बंद कर दी, वॉज बिकॉज वी फेल्ट दैट दे आर नॉट डन अ वर्ल्ड क्लास जॉब. दे हैड एक्चुअली गॉटन ट्रैप्ड इन दैट ट्रैप ऑफ सेइंग my investor will give me hundreds of millions of dollars if I show them that I'm scaling really, I will burn cash, I will scale fast. And in all of that process, quality takes a back seat. So we were seeing a lot of customer problems, a lot of customer concerns. We were seeing artificial markets getting created, which would actually disappear as soon as that money went away. So hamara point of view aur hamara approach is market mein hai ki hum 16 saal se yahan hain aur agle 160 साल यहाँ रहना चाहते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि व्हेन वी सॉल्व देम दे स्टे सॉल्व्ड, राइट? सो वी वांट टू डू अ क्वालिटी जॉब ऑफ इट, एंड दैट्स आवर अप्रोच टू द बजट होटल मार्केट थ्रू आवर इनिशिएटिव कॉल्ड माय वैल्यू प्लस. आपने जब उनको डीलिस्ट किया था 2015 में, तो उन्होंने, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वैसे भी मेक माई ट्रिप से हमारा तो 10% से भी लेस बिजनेस बन रहा था, तो इट डज नॉट इम्पैक्ट अस. पीआर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एवरीबडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट देयर टर्फ एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर
position. So I won't blame them, and I wish them all the best. Customer experience or quality experience, वो सब आपने देने की intention से तो of course आपने Value Plus launch किया ही होगा. But isn't that a reason where you don't want your competitors like Oyo to actually grow and उस market पे वो एक तरह से कब्जा ना कर लें? So I think you know as a platform, as a travel planning, searching and buying platform. Obviously जो हमारी core proposition है उसके अंदर कोई भी हमारा competitor होगा, चाहे वो यात्रा हो, चाहे Expedia हो, चाहे GoIBibo हो, चाहे Oyo हो, उसके साथ हम compete करना चाहेंगे और हम compete करेंगे because हम market leaders हैं. और हम market leaders ऐसे नहीं बने तो obviously हम effectively compete करेंगे और हम जीतेंगे उस market को. लेकिन the idea is not to, what I want to underline is that we don't want to become, we don't want to manage experience of hotels, right? We don't want to become hoteliers. We don't want to become, like Oyo says, we are the largest Indian hotel chain, right? We are bigger than Taj. I mean, Ritesh has been in press saying that, right? Yeah. We are not in that business. We are never going to be in that business, ever. We don't want to be in that business, right? So we are very clear. But if you want to be in the business of searching, planning and buying travel, including hotels, then of course we'll be competition free. But My Value Plus was launched for solving the budget hotels planning buying need and not for becoming hotel chain at all. Par cash burn increase karne ka kya reason hai? Is it because of Oyo and iBibo? So again, there are two things, right? One is that there will always be some competitive reasons, but maan lijiye ki ये मार्केट 500% 600% पे ग्रो नहीं कर रही होती, हम ये नहीं देख रहे होते कि टीयर टू टीयर थ्री टाउन्स के लोग आ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि हमारी इन्वेंट्री डबल ट्रिपल हो रही है, होटेलियर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करती हैं कि ये मार्केट खुल रही है, एक्सप्लोड कर रही है. अगर ये मार्केट एक्सप्लोड नहीं कर रही होती और हमारा कॉम्पिटिटर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा होता, हम ये शायद पैसे खर्च नहीं करते. बिकॉज द आइडिया इज नॉट जस्ट टू कम्पीट माइंडलेसली एंड फॉलो समवन एल्स इन टू स्पेंडिंग, बट द आइडिया इज दैट एज अ मार्केट लीडर वी मस्ट पार्टिसिपेट फ्रॉम द फ्रंट इन ओपनिंग अप द मार्केट, बिकॉज ओनली देन डू वी हैव द राइट टू लीड द मार्केट. ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मार्केट कैसी है मेक माई ट्रिप के लिए? सो वेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ऑफलाइन शोर्स जहाँ से मेक माई ट्रिप को बिजनेस आता है वर्सेज ऑनलाइन मोबाइल वेबसाइट, तो किस तरह का दोनों में ट्रैक्शन है? हमारा फोकस हमेशा से ये रहा है कि जब कंज्यूमर्स इवॉल्व होते हैं और मेच्योर होते हैं तो वो ओवरनाइट ऑनलाइन यूज़र्स नहीं बन जाते. आपको पहले अपनी सर्विसेज को उनको उनके सामने प्रेजेंट करना होता है, उसकी डिस्कवरी शायद वो ऑनलाइन करेंगे लेकिन दे आर स्टिल अंडर कॉन्फिडेंट, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर समटाइम्स ट्रस्ट इश्यूज. तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑफलाइन मॉडल की ज़रूरत पड़ती है. तो इकोसिस्टम इतना तेज़ डेवलप हुआ है कि ऑनलाइन ट्रैक्शन ऑफलाइन ट्रैक्शन से ज़्यादा होनी ही, तो हम भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं. मोबाइल और वेब प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं हमारी रिटेल ब्रांचेस से, लेकिन साथ साथ बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ हम देख रहे हैं हमारी कॉल सेंटर रिटेल ब्रांचेस के अंदर भी. हमारा फोकस ये रहता है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन के कस्ब को लेवरेज करें. अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिजनेस दैट कम्स फ्रॉम मोबाइल? यू नो इन होटल्स वी हैव सीन मोर देन 60% बुकिंग्स कम फ्रॉम मोबाइल लास्ट क्वार्टर. अच्छा, एंड दिस नंबर इज मूव्ड अप फ्रॉम 20% टू 60% इन जस्ट अ मैटर ऑफ वन ईयर. तो क्लियरली, और ये नंबर रुक नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 50 के बाद स्लो हो गया है या 60 के बाद स्लो हो रहा है, मतलब फॉर सम फनी रीजन ये नंबर बढ़ रहा है. तो क्लियरली यू नो इंडियन कंज्यूमर्स एटलीस्ट आर क्लियरली गिविंग अ थम्स अप टू मोबाइल एज अ प्रेफर्ड वे ऑफ ब्राउजिंग, एज अ प्रेफर्ड वे ऑफ सर्चिंग प्लानिंग एंड बाइंग ट्रैवल. तो ये देखा जाता है नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर, जब चेन्नई फ्लड्स थे तो जो एयरलाइंस है वो अपने टिकट्स की कॉस्ट बढ़ा देती है, एंड काफ़ी मतलब सोशल नेटवर्क पे भी लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक 2000 की टिकट 25000 की सेल की जाती है. तो उसमें मेक माई ट्रिप का क्या रोल है? हाउ डू यू इंश्योर कि जो कस्टमर है दैट वो सेफ रहे, मतलब उसको ये तो ये सब परेशानियाँ ना सहनी पड़े? नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है प्रीति. मेक माई ट्रिप एक प्लेटफॉर्म है तो हम लोग एयरलाइंस की प्राइसेस डिसाइड नहीं करते हैं, एंड देयरफॉर अगर एयरलाइन अपनी प्राइस 10000 रखना चाहे, 1,00,000 रखना चाहे, उसके अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बहुत कम रहता है. दो तीन चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली करते हैं कीपिंग आर कस्टमर्स इन माइंड फर्स्ट. एक ये कि उस पीरियड के अंदर हम अपनी रिसोर्सिंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं,
फ़ोन कॉल्स को जल्दी उठा के प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम एक मार्केट के कस्टमर्स ऑन ग्राउंड हों, उनको अल्टरनेट फ्लाइट्स ढूंढ के देना, उनसे पैसे नहीं लेना, बाद में लेना, उनसे कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लेना, ये सब चीज़ें डिस्पाइट दोज थिंग्स बीइंग अ लॉस टू अस, राइट, ये सब चीज़ें हम करते हैं, कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि ये हमारे कस्टमर्स हैं हु आर इन अ रियली रियली टफ सिचुएशन, एंड इफ़ वी आर विद देम एज अ फ्रेंड एट दिस पॉइंट दे विल स्टे विद अस पॉसिबली फॉर देयर लाइफ टाइम, एंड दैट्स द फिलॉसफी दैट वी ऑपरेट विद। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह से एक डायरेक्ट फ्लाइट है, चेन्नई से बॉम्बे की एक डायरेक्ट फ्लाइट है जो बहुत महंगी आ रही है, 30,000 रुपये की आ रही है, लेकिन चेन्नई से हैदराबाद होके बॉम्बे की फ़्लाइट है जो 18,000 में भी आ रही है, तो हम वन स्टॉप फ्लाइट्स भी दिखाते हैं, कई बार इससे उल्टा भी दिखता है, तो अगर डायरेक्ट फ्लाइट खत्म हो गई है तो आपको वन स्टॉप फ्लाइट हो सकता है कि 70,000 रुपये की भी दिखे, और ऐसी चीज़ों को कई बार मिसइंटरप्रेट कर लिया जाता है सोशल मीडिया में ये कह के कि मेक माई ट्रिप पे देखो 70,000 की दिख रही है। हमारा एफर्ट हमेशा ये रहता है कि कम से कम एक ऑप्शन दिखाई जाए, जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सके वो कस्टमर्स को, इवन इफ इट विल बैकफायर, इवन इफ दीज ऑप्शंस डोंट एग्जिस्ट इन द एयरलाइन सिस्टम्स। तो मान लीजिए कि एक इंडिगो की फ्लाइट है जो चेन्नई से हैदराबाद की अवेलेबल है और एक जेट एयरवेज की फ्लाइट है जो हैदराबाद से बॉम्बे की अवेलेबल है, दोनों एयरलाइंस आपको ये इकट्ठी दिखाएंगे नहीं और खरीदने नहीं देंगे, लेकिन मेक माई ट्रिप इनको जोड़ के आपको चेन्नई से बॉम्बे की फ्लाइट ऑप्शन दिखा सकता है। अब इस सिचुएशन के अंदर या तो मेक माई ट्रिप कहे कि नहीं ये महंगी है मैं दिखाऊंगा ही नहीं, और या मेक माई ट्रिप कहे कि कम से कम मैं अपने कस्टमर्स को सारी ऑप्शंस बताता हूँ ताकि उनको पता हो कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन में वो कुछ ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, किंगफिशर एयरलाइंस के शटडाउन होने से मेक माई ट्रिप को कितना फ़र्क पड़ा? आई थिंक पूरी इकोसिस्टम को फ़र्क पड़ा, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए एयरलाइन के अंदर एयरलाइन ट्रैवल की ग्रोथ ही ख़त्म हो गई, डीग्रोथ हुई, कैपेसिटी मार्केट से चली गई, नई कैपेसिटी नहीं आ पाई, उस टाइम पे ऑयल प्राइसेस भी उतने कंड्यूसिव नहीं थे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत फ़र्क पड़ा और एज अ मार्केट लीडर हम लोगों को भी काफ़ी फर्क पड़ा। अब विस्तारा, एयर एशिया, बहुत एयर कॉस्टा, बहुत सी छोटी बड़ी एयरलाइंस आ गई हैं, बहुत सारी एयरलाइंस ने नए एयरप्लेन्स भी ऐड किए हैं, उस टाइम पे कोई एयरलाइन नए प्लेन्स ज़्यादा नहीं ऐड कर रही थी, गिन चुन के 4-5 एयरलाइंस थी मार्केट के अंदर, और उसके अंदर से जब एक एयरलाइन चली जाती है और ख़ास करके फुल सर्विस एंड लो कॉस्ट यू नो दोनों का कॉम्बिनेशन चला जाता है, तो दैट डेफिनेटली हर्ट्स द मार्केट इन अ बिग बिग वे। सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर इवेंट सेट अस बैक बाय 3 years इफ नॉट 5 एज अ कंट्री, एज अ ट्रैवल ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट। एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? आप क्या मेक माई ट्रिप को प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, एज अ कंपनी, एज एन ऑनलाइन ट्रैवल ऑफलाइन ट्रैवल कंपनी किस तरह से आगे लेना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट दिस कमिंग ईयर? सो आई थिंक आर प्लान्स आर वेरी वेरी क्लियर, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन 3 pillars. वन इज मोबाइल, एब्सोल्युटली वी हैव रियलाइज्ड दैट द मोबाइल, द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल प्रोडक्ट इज राइट नाउ मे बी 2/10. You know, there's a lot more runway for mobile products to become better. Okay. And we are focused on making sure that we build great products for travel search, planning and buying on mobile for our customers of all kinds in all parts of India. So that's one big focus area. Second focus area is hotels and accommodation. So we are actually very, very focused on making sure that this market, which is a very important part of travel, you know, stay is a very important part of travel, that we solve the planning, buying, searching needs of customers in this market really, really well, you know, across different price segments, across different type of accommodation segments, and, you know, domestic, international, pretty much everything. We're going to, you know, spend a lot of our focus and effort in solving this in a really, really awesome manner. And the third thing is, you know, innovating on the edges. So areas that are important to people but not a lot of people are focusing on it, we want to make sure that in an ecosystem where maybe overall funding dries up, innovation in travel doesn't die out. So through our innovation fund, through our own internal innovation efforts, we want to make sure that we keep innovating, we keep trying out a bunch of new different things. And investment in startups? That's part of this travel innovation, right? Yeah. So, you know, we have an EIR model through which we started a company called Bonovita. A new beta product for that is out. We'll bring that to you very soon. Okay. So, you know, a whole bunch of new, interesting, exciting options within travel ecosystem are being incubated inside the Make My Trip ecosystem and through the Make My Trip innovation ecosystem. Thank you so much, Mohit, for talking to us. Thank you so much for being on TV Spotlight. Thank you.